व्हाट्स अप व्यूअर्स एंड वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। एंड यस, मुझे मालूम है कि वीडियो में काफ़ी मैंने टाइम लगा दिया है, काफ़ी गैप जो है वीडियोस में मैंने बहुत बड़ा गैप इस बार दे दिया है, क्योंकि कभी कभी मैं मिस्टर इंडिया बन जाता हूँ। बट ऐसी कंडीशंस में मैंने एक चीज़ करी है, मैंने अपनी स्केचिंग जो वीडियोस है वो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। जो प्रीवियस मेरी 2-3 वीडियोस थी वो मैंने स्केचिंग वीडियोस बनाई है, तो आप लोग जाके वो देख सकते हो। इससे 3-4 चीज़ें हो सकती है। एक तो वीडियोज़ अच्छे टाइम पे, अच्छे कम गैप में आप लोगों को देखने को मिलेगी, साथ ही साथ मेरी जो स्केचिंग स्किल्स हैं वो भी अच्छी होगी, प्लस आप लोग को नया कंटेंट देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो टुडे आई हैव द ऑल न्यू किया कैरेंस, द ऑल न्यू MPV फ्रॉम किया। काफ़ी अमेजिंग मेरे को गाड़ी लगी है। और MPVs तो आजकल मार्केट में धीरे धीरे टॉप पे बढ़ती जा रही है, बिकॉज ये जो सेगमेंट है ये मॉडर्न फैमिलीज़ को बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न फैमिलीज़ क्या है, उनको घूमना पसंद है। तो इसलिए दिस वीडियो मैं इस गाड़ी को एक नया एडिशन देने जा रहा हूँ, क्योंकि किया की आप लोग देखो काफ़ी सारी कार्स हैं, SUVs हैं, जो उनको एक एडवेंचर एडिशन में चेंज करती है, कॉन्सेप्ट बनाती है। लाइक किया सेल्टॉस X-Line, किया सोरेंटो, उसको भी थोड़ा ऑफरोडिंग उन्होंने चेंज किया है, एडवेंचर्स उसको मॉडिफिकेशन की है। तो वही चीज़ें मैं किया कैरेंस पे करने जा रहा हूँ। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सपोर्ट मी एंड सपोर्ट माय वर्क। तो सबसे पहले एज यू कैन सी जो इसके टायर्स हैं वो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। टायर्स थोड़े मैंने ऑफरोडिंग टायर्स लगाए हैं, बड़े मैंने इसमें टायर्स नहीं किए। और इसके जो टायर्स का साइज़ है वैसे 16 इंच के टायर्स हैं इसमें, और यहाँ पे मान के चलो कि 17 इंचेस मैंने टायर्स लगा दिए, और थोड़े ऑफरोडिंग टायर्स लगाए बिकॉज एडवेंचर में इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। और इस गाड़ी में अगर आप लोग स्टॉक टायर्स देखोगे, वैसे लुक बहुत अच्छा है, बट स्टॉक टायर्स अगर आप लोग देखोगे तो वो थोड़े बॉडी के हिसाब से थोड़े छोटे हैं, तो लुक वाइज नहीं जा रहे। बट नाउ यू कैन सी जो टायर्स जैसे मैंने चेंज किए हैं तो लुक एकदम से कन्वर्ट हो गया। साथ ही साथ जो इसका फ्रंट क्रैश गार्ड मैंने यहाँ पे लगाया है, उसमें 2 ऑक्सिलरी लाइट्स मैंने यहाँ पे ऐड करी है, तो वो भी लुक को बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हेंस कर रहे हैं। और वैसे मैंने इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया, बिकॉज जितनी भी इसकी मॉडिफिकेशंस है, जो अलग जो एडवेंचर एडिशंस हैं, उसमें इतनी कुछ किया चेंजेस नहीं करती, नॉर्मल चीज़ें ऐड करती है। लाइक लाइट्स उन्होंने ऐड कर दी, थोड़ा ग्राउंड क्लियरनेस बढ़ा देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, लुक वही रखते हैं, बट चीज़ें एक्सेसरीज थोड़ी ऐड कर देते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे चेंज करी है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड करी है। तो यहाँ पे एज यू कैन सी जो रूफ रैक है वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, बिकॉज लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे तो लगेज एक्स्ट्रा हो सकता है, क्योंकि इसका जो बूट स्पेस है, वैसे बूट होता नहीं है, पीछे जो सीट्स होती है, जो थर्ड रो होता है, उसकी जो सीट्स है वो फोल्ड हो जाती है, तो वही लगेज वहाँ पे आपका आ सकता है। बट अगर एक्स्ट्रा लगेज के लिए रूफ रैक मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। और वैसे इस कार में मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी कि किया ने जो कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने डिज़ाइन किया था, उससे बहुत ही हद तक इन्होंने डिज़ाइन इसमें इंक्लूड किया है ऑन दिस कार, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। वरना काफ़ी कंपनीज होती है, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट कुछ और होता है, स्केच कुछ और होता है, और जो उनका फाइनल वर्जन होता है, जो लॉन्च होता है, वो बहुत ही अलग होता है। तो यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा नहीं दिखा, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। एंड नाउ आई चेंज द कलर, एंड ये वाला कलर अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है ऑन दिस कार, सो हिट दैट लाइक बटन। तो यहाँ पे थोड़ा ये मैंने गोल्डनिश या थोड़ा सैंडी कलर आप इसको बोल सकते हो, जो कि लुक वाइज, जो एडिशन वाइज बहुत अच्छी तरीके से इस गाड़ी पे जा रहे हैं। एंड गाइज, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है, मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। सो गाइज, नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल इमेज, एंड द फाइनल इमेज ऑफ दिस न्यू एडवेंचर वर्जन किया कैरेंस इज, सो गाइज दिस इज द फाइनल इमेज। एंड एज यू कैन सी, कुछ ज़्यादा मैंने इसमें चेंजेस नहीं की है। आप बोल सकते हो कि थोड़ी बहुत एक्सेसरीज मैंने इसमें बढ़ाई है, और आप लोग खुद देखो, एवरीथिंग इज़ लुकिंग सो परफेक्ट। तो जैसे किया अपने हर एक कार की अलग अलग एडिशंस निकालते थे, तो किया कैरेंस का भी एक एडिशन ऐसा निकलना चाहिए,
हाँ या ना, ये आप लोग मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन। और द होल कार इज़ लुकिंग सो परफेक्ट, हर एक चीज़ इस पर बहुत अच्छी तरीके से मैच कर रही है। एंड आप लोग मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग को ये जो नया लुक है ये कैसा लगा कैसा नहीं। प्लस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो दैट्स इट, न्यू डेज कमिंग सून। सच में गाइज, नई वीडियो जल्दी आने वाली है। टिल देन स्टे ट्यून एंड पीस आउट।